जितने भी अपनी धन दौलत लगा ले वो बच नहीं पाएगा। मुझे आपका काम नहीं करना है। आप अपना फोन रख रहे हो कि मैं आपका फोन काट दूं? मेरे दरवाजे पर ना दो हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड खड़े हैं। उनके हाथ में बड़ी बड़ी गन है, काफी हाई-फाई उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस पहना हुआ है। एक बड़ा सा पत्थर एक मजदूर औरत के ऊपर गिरता है। ऑन द स्पॉट उस औरत के ना तीन टुकड़े हो जाते हैं। उसकी मुंडी अलग हो जाती है, धड़ अलग हो जाता है, उसके पैरों का पोर्शन अलग हो जाता है। हर किसी को वो कटा हुआ भूत दिख रहा है। वो कटी हुई भूतनी दिख रही है। उसका सर अलग है, धड़ अलग है, पैर अलग है। तो वो भूतनी उसको ऐसे पीछे बालों से खींचती है और बालों से खींचती हुई घसीटते हुए लेके जा रही है। ऐसे उसने तीन चार आदमियों को एक साथ घसीट लिया और वो घसीटते हुए लेके जा रही है और उनके ऊपर ना धनाधन पत्थरों की बारिश कर रही है। वो भूतनी ने क्या किया, उसको बालों से पकड़ा और उसके अंदर एंटर कर दी। दुनिया का एक बहुत बड़ा उद्योगपति जब हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तब लाखों लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन मुझे ना उस पर बहुत तरस आ रहा था। पता है क्यों? मुझे पता था वो जितनी भी अपनी धन दौलत लगा ले वो बच नहीं पाएगा। अब उसका टाइम आ गया है। खैर वही हुआ जो होना था। जितने भी अमीर है उनको ये बात समझ में नहीं आती है। आज का जो किस्सा है ऐसे ही दौलतमंद लाचार आदमी का किस्सा है, जिसने डर के मारे अपने घुटने टेक दिए। खौफ क्या होता है, जो उसने देखा वो मैं आज आपको सुना रही हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों आज का जो किस्सा है वो मुंबई का किस्सा है। एक महीने पहले ना मुझे एक दिन सुबह सुबह एक फोन आता है। एक आदमी मुझे फोन पर बोलता है कि मैंने आपके बारे में सुना है कि आप भूत प्रेत निकालने का काम करते हो। तो मैंने सामने वाले पर्सन को बोला, सर ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं तो जो बेचारे लोग ना मुसीबत में फंसे हुए होते हैं मैं तो उनकी मदद करती हूँ। तो बोलता है, अच्छा है, हमको भी भूत निकलवाना था, आपको जितना पैसा चाहिए ना हम आपको मुंह मांगी रकम देंगे, आप मेरा काम कर दीजिए। तो मैंने उस बंदे को बोला, सर मुझे आपका काम नहीं करना है, आप अपना फोन रख रहे हो कि मैं आपका फोन काट दूं? ऐसा करके उस बंदे ने ना धार देने अपना फोन काट दिया। दोस्तों ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि जो वो बंदा था ना बेफजूल का मुझे अपना एटीट्यूड दिखा रहा था। मैं किसी का एटीट्यूड ऐसे बेफजूल में क्यों सुनूं, क्यों किसी की बातें सुनूं? जब परमेश्वर ने सबको एक समान बनाया है तो हमको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आप ही मुझे बताइए मैं सही थी कि गलत थी, कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। तो मेरा मानना है कि हमें सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक दूसरे साथ अच्छे से बात करनी चाहिए। इसीलिए मैंने उस बंदे को बोल दिया था कि आप फोन काट दो। अब क्या हुआ, 10 ही मिनट के बाद ना मेरी ना डोरबेल बजी। मैंने जैसे दरवाजा खोला तो मेरे दरवाजे पर ना दो हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड खड़े हैं। उनके हाथ में बड़ी बड़ी गन है, काफी हाई-फाई उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस पहना हुआ है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये मेरे दरवाजे पर क्यों खड़े हैं। इतने में ही ना उनके पीछे से बहुत बड़ा VVIP बंदा आता है, जिसने व्हाइट कलर का कपड़े पहने हुए हैं। तो वो बंदा आता है, ऐसे हाथ जोड़कर बोलता है, सॉरी मैडम मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे लगा कि पैसे से ही हर काम होता है, लेकिन आपको बात करके मुझे पता चल गया कि पैसे से हर काम नहीं होता है। तो उसने मेरे से हम्बली बात की तो मैंने भी उसको बोला, आइए सर अंदर आइए। अब मेरे घर पर तो चेयर भी नहीं थी बिठाने के लिए, मैंने उसको गद्दे पर ही बिठा लिया। अब मैंने उसको बोला, बोलिए सर पूरी बात बताइए कि आप पूरी बात है। तो उस बंदे ने बोला कि विरार के पास ना 10 ही मिनट पर मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, गवर्नमेंट का काम है, वहाँ पर ना बहुत बड़ी बड़ी पाइप्स डालनी है पानी के लिए। अब इस काम के लिए ना मुझे ना बहुत सारे मजदूरों की जरूरत थी, मैंने बहुत सारे मजदूरों को हायर किया। एक दिन क्या हुआ, काम चल रहा था, बाजू में ही ना एक 5 माले की बिल्डिंग भी बन रही थी। वो जो बिल्डिंग बन रही थी ना वहाँ पर काम भी चल रहा है, लेबर लोग काम भी कर रहे हैं और बिल्डिंग वाले अपना काम कर रहे हैं। अचानक से 5 माले से ना एक बड़ा सा पत्थर एक मजदूर औरत के ऊपर गिरता है। ऑन द स्पॉट उस औरत के ना तीन टुकड़े हो जाते हैं। उसकी मुंडी अलग हो जाती है, धड़ अलग हो जाता है, उसके पैरों का पोर्शन अलग हो जाता है। ऑन द स्पॉट बेचारी इतने बुरे से मरी कि उसको पानी भी नहीं मिला, धार देने वो मर गई है जैसे पत्थर उसके ऊपर गिरा। तो मैंने बोला, अच्छा ओके सर। तो वो बंदा बोलता है, अब वो औरत मर गई तो हम लोगों ने क्या किया, उस औरत की रूह के लिए ना हम लोगों ने पूजा पाठ करवाई कि इसकी आत्मा को शांति मिले। तो मैंने बोला ठीक है सर। फिर
तो बोला फिर क्या, अब 4-5 दिन के बाद जैसे ही हम लोगों ने काम स्टार्ट किया ना, तो क्या हुआ, सब लोगों को वहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, हर किसी को वो कटा हुआ भूत दिख रहा है, वो कटी हुई भूतनी दिख रही है, उसका सर अलग है, धड़ अलग है, पैर अलग है, और वो भूतनी क्या कर रही है, सबसे आके पानी मांग रही है और बीड़ी मांग रही है, और जो भी वहाँ से डर के मारे भागता है ना, तो वो भूतनी उसको ऐसे पीछे बालों से खींचती है और बालों से खींचती हुई घसीटते हुए लेके जा रही है। ऐसे उसने 3-4 आदमियों को एक साथ घसीट लिया और वो घसीटते हुए लेके जा रही है और उनके ऊपर ना धनाधन पत्थरों की बारिश कर रही है। ऐसे में अभी किसी का सर फट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी की रीढ़ की हड्डी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर वो लोग वहाँ से निकलते नहीं ना अपनी जान बचाकर, तो वो भूतनी किसी ना किसी को मार डालती। सब लोग वहाँ से फटाफट धनाधन हिम्मत करके भागे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, सब लोग जितने भी मजदूर थे ना, सब लोग मजदूरों ने बोला कि हम लोग वहां पर काम नहीं करेंगे, हमें अपनी जान प्यारी है, हम इस भूतनी के साथ नहीं निपट सकते हैं, हम यहाँ से अभी का अभी जाते हैं। साहब मेरे जितने भी मजदूर लोग थे सब वहाँ से चले गए हैं। अब ये भूत का किस्सा हुआ, दूसरे लेबर लोग भी नहीं आ रहे हैं, मेरा पूरा काम ठप हो गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से बहुत बड़ी पूजा पाठ करवाई जाए। बहुत बड़ी पूजा पाठ करवाई गई है, फिर से कल काम स्टार्ट किया गया है। जैसे ही कल काम स्टार्ट किया ना, तो एक 22 साल के लड़के को वो भूतनी दिखाई दी और वो भूतनी उससे आकर बीड़ी और पानी मांग रही है। अभी लड़का बच्चा बेचारा डर के मारे भाग रहा है। जैसे उसने भागना स्टार्ट किया ना, वो भूतनी ने क्या किया, उसको बालों से पकड़ा और उसके अंदर एंटर कर दी। जैसे उसके अंदर एंटर की ना वो भूत, अब उसने क्या किया, ना बच्चा देखा, ना बूढ़ा देखा, ना औरत देखी, हर किसी को जिस जो भी उसके हाथ में आता है ना, हर किसी को बालों से पकड़ती है, ऐसे नोचती है और ऐसा घुमाकर धन देने फेंक देती है। जितने भी लोग थे ना वहाँ पर, सब लोगों की हालत खराब कर दी। तो कुछ मजदूर आदमियों ने क्या किया, उस लड़के को पकड़ा और चारपाई पर बांध दिया, रस्सियों के साथ उस लड़के को बांध दिया। उस लड़के की तबीयत बहुत खराब है, उसकी हालत खराब है, प्लीज उस बच्चे को बचा लो। तो जैसा उसने बोला ना, तो मैंने बोला सर आपको मेरे बारे में कैसे पता चला, तो बोलता मेरे ही एक बंदे ने, पहचान के बंदे ने आपके बारे में बताया है। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला क्या किया जाए, मेरे हस्बैंड बोले एक बच्चे की जान का सवाल है, हमको तो जाना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है सर चलो निकलते हैं। तो वो बंदा, अमीर बंदा मुझे बोलता है पूजा पाठ का कोई सामान नहीं लेना। तो मैंने बोला परमेश्वर का नाम बहुत बड़ा महान है, उसके आगे ना बड़े बड़े भूत प्रेत राक्षस जो है ना थर थर कांपते हैं, फिर से निकल जाएंगे, आप टेंशन मत लो, चलो हम लोग चलते हैं। ऐसा करके मैंने अपना घर लॉक किया और नीचे जैसे ही हम लोग उतरे ना, 5 गाड़ियां ऑलरेडी वहां पर खड़ी थी। हम लोग एक गाड़ी में बैठे और वहां पर पहुंचे, जिस जगह पर हमको जाना था, भूत निकालना था। जैसे ही हम लोग गाड़ी से नीचे उतरे ना, तो वहां पर बहुत सारे मजदूर लोग खड़े हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमारी ही वेट कर रहे हैं कि हम लोग कब आए और कब भूत को भगाएं। अब हम लोग गाड़ी से नीचे उतरे तो हमारे ही सामने एक लड़का चारपाई पर बांधा हुआ है, और वो लड़का ना औरत की आवाज में मेरे को बोल रहा है और घुरा रहा है, चली जाए यहाँ से। तो मैंने उस लड़के को देखा, अब वो लड़का चारपाई पर ही बांधा हुआ है और धीरे धीरे उसकी चारपाई ना ऐसे ऐसे पीछे जा रही है, जैसे जैसे मैं आगे जा रही हूँ उसकी चारपाई पीछे जा रही है। तो मैंने कमांड किया, ए रुक जा, अभी इसी वक्त यहाँ पर रुक जा, छोड़ इसके शरीर को, तुझे मैं परमेश्वर के नाम से कमांड करती हूँ, निकल बाहर इसके शरीर में से। जैसे मैंने ऐसा बोला ना, तो फट से वो बच्चा एकदम नॉर्मल हो गया, उसका अभी जो शरीर था ना एकदम, जो देखने में डर लग रहा था, एकदम नॉर्मल हो गया। तो मैंने सबको बोला कि इसके जो हाथ पैर रस्सियों से बांधे हुए ना वो खोल दो। तो सब लोग मेरा मुंह देख रहे हैं, तो मैंने बोला डरने की कोई बात नहीं है, अभी ये नॉर्मल है, किसी को कुछ हानि नहीं पहुंचाएगा, आप इसके हाथ पैर खोल दो। सब लोगों ने उसके हाथ पैर खोल दिए। तो मैंने जो मेरे साथ अमीर बंदा था ना, हमने उनको बोला कि ऐसा कीजिए, अभी आप जहां जहां काम करते हैं ना, हमको हर एक वो जगह पर लेकर जाइए। वो बंदा हमको लेकर गया। जैसे जैसे हम हर एक जगह से गुजर रहे हैं ना, मैं और मेरे हस्बैंड कंटिन्यू प्रार्थना करते जा रहे हैं। फाइनली वो बंदा हमको ना एक बिल्डिंग के पास लेकर आया, और उस बंदे ने बताया कि इस बिल्डिंग से ही बहुत बड़ा पत्थर गिरा था, जिसकी वजह से वो मजदूर लेडी की डेथ हो गई है। तो हमने बोला ठीक है, हमने वहाँ पर भी प्रार्थना की, हमने बोला कहीं और भी है, तो बोले हाँ अभी तो काफी जगह पे जाना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है चलते हैं। अब हम लोग जैसे जैसे आगे आगे जा रहे हैं ना, तो एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ हमको दिखाई दिया। जैसे वो पीपल का पेड़ आया ना, तो हमको बहुत अजीब सी नेगेटिविटी छा रही है, अजीब सी घुटन हो रही है। मैं मेरे हस्बैंड का फेस देखकर बोलती हूँ, अजीब सा कुछ फील हो रहा है ना। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं हाँ,
तो वो अमीर बंदा बोलता है, अरे यही वो जगह है जहाँ पर वो भूतनी आती है और सबको घसीट कर लेकर आती है और सबके ऊपर पत्थर फेंकती है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने उस अमीर बंदे को बोला ऐसा कीजिए, आप ना तेल लेकर आइए, नारियल का तेल लेके आइए। तो अमीर बंदा बोलता है कितना लीटर चाहिए? मैंने बोला लीटर नहीं चाहिए, सिर्फ 10 रुपए की एक छोटी सी बॉटल आती है, वो बॉटल लेकर आइए। तो वो बंदा वो नारियल के तेल की बॉटल लेकर आया। मैंने उस नारियल के तेल के ऊपर प्रार्थना की, खुद को लगाया, मेरे हस्बैंड को लगाया, जितने भी वहाँ पर लोग थे सबके ऊपर मैंने प्रार्थना कर दी, और फिर मैंने लास्ट में वो पीपल के पेड़ के ऊपर नारियल तेल लगा दिया। जैसे मैंने नारियल तेल लगाया ना, तो मैंने बोला सब वहाँ पर जितने भी मजदूर खड़े थे, मैंने उन मजदूरों को में से बोला कि आपके बीच में सबसे स्पिरिचुअल बंदा कौन है? तो एक ना बंदा आगे आया, मैंने पूछा आपका नाम क्या है? तो बोलता मेरा नाम धनिया है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, अब मेरे को बताइए कि आपके बीच में सबसे डरपोक बंदा कौन है? तो वो 22 साल का बंदा जिसके अंदर भूत आया था ना, वो बच्चा आगे आया, उसने ऐसा हाथ खड़ा किया हुआ था। मैंने बोला तू है बेटा? बोला हाँ। तो मैंने बोला आजा, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने उस बच्चे के हाथ में तेल रखा, तो मैंने उस बच्चे को बोला ऐसा करना, डेली 7 दिन बिना भूले जहाँ जहाँ तुम लोग काम करते हो ना, वहाँ वहाँ तेल लगाना, भूलना नहीं। तो वो लड़का बोलता है हाँ। जो बंदा बहुत स्पिरिचुअली बोला था ना कि मैं बहुत स्पिरिचुअली हूँ, मैंने उस बंदे को बोला कि ऐसा करना, आप ना इसकी निगरानी करना, आप नोट करना, देखना कि ये तेल लगाता है कि नहीं लगाता है। तो स्पिरिचुअल बंदा बोला ठीक है। मैंने अभी अमीर बंदे को बोला कि हमारा काम हो गया है, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो अमीर बंदा बोला ठीक है, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ कर आता हूँ। अमीर बंदा मुझे बोलता है 7 दिन के अंदर ये भूत निकल जाएगा ना, उसके बाद तो सब नॉर्मल हो जाएगा। तो मैंने उस अमीर बंदे को बोला सर भूत 7 दिन क्या, वो तो अभी का अभी यहाँ से निकल गया है। बोले है अभी का अभी निकल गया, ऐसे कैसे? मैंने बोला सर मैंने आपको बोला था ना, परमेश्वर का नाम बहुत महान है, उसके आगे तो बहुत बड़े बड़े भूत शैतान कांपते हैं, तो फट से वो भूत निकल गया। बोले अच्छा, तो फिर आपने 7 दिन क्यों बोला? मैंने बोला देखो सर, आपने अभी विश्वास किया मेरे पर कि वो भूत अभी का अभी निकल गया? नहीं किया ना। तो जैसे आपने विश्वास नहीं किया ना, वैसे ये लोग भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते। अब इन लोगों को पता है कि 7 दिन पहले यहाँ पर डेली तेल लगाया जाएगा टाइम टू टाइम, उसके बाद यहाँ से भूत निकल जाएगा। तो ये लोग भी ना बिना डर के अभी काम करेंगे। तो बोलता अच्छा, बोलता फिर वो स्पिरिचुअली और डरपोक बंदे का क्या लोचा था? तो मैंने बोला सर देखो, जो स्पिरिचुअली बंदा था ना, जितने भी स्पिरिचुअली लोग अपने आप को मानते हैं, मुझे मेरा मानना है कि वो लोग डेढ़शाने होते हैं, वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करते हैं। अब ये जो डरपोक बंदा है ना, चाहे आंधी आए तूफान आए, ये देखना टाइम टू टाइम सही टाइम पर डेली वहाँ पर तेल लगाएगा ही लगाएगा जहाँ जहाँ आप लोगों को काम करना है। इसलिए मैंने इस बंदे को बोला कि तू तेल लगा देना। अब लोगों की श्रद्धा आपको पता है कि कैसी होती है, अब ये लोगों को विश्वास हो जाएगा कि 7 दिन तक यहाँ पर तेल लगा है, भूत भाग गया है, तो आपका काम बहुत अच्छे से ये लोग करेंगे, बिना डर के काम करेंगे। तो वो बंदा बोला अच्छा, आप भी दिमाग से खेलते हो। तो मैंने उस बंदे को बोला क्या करूँ सर, दुनिया ही ऐसी है, मैं जैसी दुनिया चलती है मैंने भी उनको उनके हिसाब से चलने दिया, बस मेरा तो यही काम था। तो पीछे से एक आवाज आती है और वो आवाज बोलती है ये कहानी रंगमंच का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। तो मैं उस बंदे के पास जाती हूँ, मैं बोलती हूँ अच्छा आपने रिकमेंड किया था मेरे को? तो बोलता हाँ मैडम मैंने आपको किया था, मैं डेली आपके वीडियोस देखता हूँ। तो मैंने बोला थैंक यू, मुझे रिकमेंड करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोलता है ठीक है। तो मैं वहां से निकली अभी, तो उस अमीर बंदे ने मुझे बोला मैडम मेरे लाइक कोई सेवा हो तो बोलो ना। तो मैंने उस अमीर बंदे को बोला सर आपने ना मुझे सुबह से काम पर लगा के रखा है, मैंने चाय भी नहीं पी है, मेरे ना चाय ना पीने की वजह से बहुत सर दुखता है, प्लीज मुझे चाय पिला दो। तो उस बंदे ने क्या किया, मुझे और मेरे हस्बैंड को ना बहुत बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर गया, चाय पिलाई, खाना भी खिलाया और फाइनली हमको हमारे घर पर छोड़ दिया। उस जगह पर उस दिन के बाद कोई भूत का किस्सा नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल हुआ, इवन के वहाँ पर अभी काम भी खत्म हो गया है। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है। अब मोर ऑफ द स्टोरी पर कविता भी सुनिए, ये कहानी रंगमंच का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। झट से आते झट से जाते, खौफ अपना फैलाते हैं, एक झापड़ साहस से दे दो, बड़े बड़े भूत भाग जाते हैं।